हेलो नमस्कार, आशीष भूत रहा हूँ भूतरा मार्बल एंड ग्रेनाइट से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम किसी भी जगह मार्बल भेजते हैं तो उसके साथ पैकिंग भी एक मेन फैक्टर है कि पैकिंग किस तरीके से हो। तो हम ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो किस जगह किस तरह का मटेरियल है उसको उसके साथ अच्छी पैकिंग हो, ये ज़रूरी है। पर्टिकुलरली ये वीडियो हमने बनाया कि हम इसमें पॉलिश मटेरियल, पॉलिश टाइल पैक करके और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जनरली इंडिया में होता है कि अगर आप स्लेब साइज़ लेते हैं, रैंडम स्लेब लेते हैं, तो अगर फुल क्वांटिटी में है तो वो मार्बल की पैकिंग मार्बल से हो जाती है, कई बार मार्बल के छोटे पीसेस से हो जाती है, कहीं बार ऐसा होता है कि बीच में वुडन पैकिंग होती है, और अगर बड़ा हाइट का माल है तो बैक साइड जो गाड़ी का बॉडी रहेगा उस पर भी रहेगा। ये पॉलिश टाइल है जो मिल्की वाइट आप देख रहे हैं, जो लेमिनेट होके फिर इस बॉक्स में रखी जाएगी और फिर बाय शिप बाय कंटेनर ये यहाँ से मटेरियल जाएगा। तो इस तरीके से पैकिंग होती है। तो जिस तरह का आप मार्बल परचेज़ करो या जहाँ पे जाना है तो उसकी रिक्वायर्ड पैकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी जब आप यहाँ से मटेरियल लेते हैं, इतनी दूर से आपके वहाँ जाता है, तो ज़रूरी है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से उसमें डैमेज ना हो। तो ये हम पूरी हमारी जो टीम है पैकिंग टीम, वो अच्छे से पैकिंग करती है। प्लस डोमेस्टिक के वीडियोस भी आपने देखे होंगे, पैकिंग करते टाइम हमने काफ़ी टाइम बताया कि उसमें जो कारपेंटर रहते हैं वो बीच में जितना भी गैप रह जाता है वहाँ पे कम्प्लीटली वुडन पैकिंग कर देते हैं। एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें अगर छोटे पीसेज है तो छोटे बॉक्स बनेंगे, बड़े हैं तो बड़े बॉक्स बन जाएंगे। नीड है कि बीच में लग जाए। काफ़ी बार होता है कि पीसेस बहुत कम होते हैं, जैसे गाड़ी भी छोटी या बड़ी हो सकती है लेकिन पीसेस की जो क्वांटिटी है, पीसेस जैसे 30 पीसेस, 50 पीसेस ऐसे भी भेजने पड़ते हैं अगर बड़ी हाइट के पीसेस हो तो, उनमें बीच में एक आयरन का स्टैंड लग के दोनों साइड मटेरियल लग के वैसे भी जाता है। तो थैंक यू ऑल, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आशीष बूत्रा।